बच्चों अभद्रता के सिद्धांत पर आधारित आज न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक हॉज पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर है, से पानी 1.1 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवाहित होता है। फिर कहते हैं उस नोजल का व्यास क्या होगा जिससे पानी 4 मीटर पर सेकंड की चाल से बाहर निकलता है। बच्चों हॉज पाइप के लिए व्यास दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, तो हॉज पाइप की त्रिज्या को हम आर1 कह दे रहे हैं, तो व्यास 2.1 की आधी 2.1/2 सेंटीमीटर हो गई। इसमें पानी की चाल है 1.1 मीटर पर सेकंड, जबकि नोजल का कहते हैं व्यास क्या होगा, तो नोजल के लिए व्यास निकालना है जिसकी त्रिज्या मालूम नहीं है, जिसकी त्रिज्या का आर2 कह दे रहे हैं, इसके सामने भी क्वेश्चन मार्क है, और नोजल से निकलने वाले पानी की चाल है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो चाल यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में सेम मात्रक है। अब यहाँ त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ मात्रक नहीं बदल रहे हैं, अब हम त्रिज्या जो आर2 हल करेंगे वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो बच्चों हमने अभद्रता का सिद्धांत लगाया, A1 B1 बराबर A2 B2, मतलब प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर एक सेकेंड में वहीं बाहर निकलने वाले द्रव का आयतन। अब A1 जो है आपके हॉज पाइप का क्षेत्रफल, A2 आपके नोजल का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पहली जगह का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर B1 और दूसरी नोजल का क्षेत्रफल हो गया पाई आर टू स्क्वायर B2। तो पाई कैंसिल कर लिया, अब फॉर्मूला बचा आर वन स्क्वायर B1 बराबर आर टू स्क्वायर B2, जिससे हमें वैल्यू चाहिए आर टू की। तो हमने देखो आर टू स्क्वायर के लिए सूत्र बना लिया, R1 square B1 और बटे आ जाएगा B2। तो R2 बराबर इसका वर्गमूल, अंडर रूट R1 square B1 बटे B2। तो देखो R1 का मान है 2.1 बटे 2, इसका स्क्वायर 10 की 2 R, और साथ में B1 का मान 1.1 बटे B2 का मान 4, जिसमें देखो 2.1 का ये जोड़ा कर दिया, तो 2.1 होने से लिया, ये दो दो का जोड़ा बन गया 2 R कर लिए, 4 का वर्गमूल तो हो गया, तो अंडर रूट से बचा खाली 1.1। तो जो हो गया 21/40 × √1.1, तो 21/40 और 1.1 का वर्गमूल होता है 1.04, और इसे हम बंद करेंगे तो आपकी नोजल की चाल आ जाएगी, नोजल में त्रिज्या 0.546 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हॉज पाइप की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में लिखी, तो यहाँ नोजल की त्रिज्या सेंटीमीटर मान करते हैं, तो नोजल की त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर में, तो इसका व्यास कितना होगा, इसकी त्रिज्या का दोगुना, तो 2 × R2, तो 2 × R2 का मान 0.546, और 0.546 की आप 2 से गुणा करेंगे, तो नोजल का व्यास हो गया 1.092 सेंटीमीटर।